ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारियाबी बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया जाता था जहां उसके दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थी। ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएं ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम में दो लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खैमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के दो तरीके हो सकते थे, जहर या कराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनामो इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मद्दुआ बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी खरांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रहायशगाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं, मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कि कोई मौका जल्दी निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने भी ये कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशिशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गम और गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दे, ज़कोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त तो हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि अदरूश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब अदरूश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अदरूश के साथ वो सलाहुद्दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने अदरूश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। अदरूश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सोडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अयूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हुक्म और बेही ख्वा नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? अदरूश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम दो पयामबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह तावुन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अयूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत ना की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अयूबी को मुतमइन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से तावुन कर रहा है।
मगर अली बिन सुफयान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफयान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचा दी। अयूबी ने कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, इन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं, नाजी ने उसे कैद कर रखा है। इससे अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी अदरूश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे दो घुड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजर नहीं। इतने में अदरूश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और अदरूश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। अदरूश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चोगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। अदरूश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। जो कोई गहरी सोच में खो गई, वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर ना जाने दो। ज़कोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि दो रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में उदरूश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ, तुम दो पयाम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़कोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थीं, उसे कोई बात समझ ना आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना, अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर चार दिनों का है, तीन दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़कोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और उदरूश भी बाहर खड़े थे, सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने ज़कोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो, अगर अकेले दिल ना लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, ज़कोई ने जवाब दिया, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और अदरूश चले गए। ज़कोई ने चोगा पहना, कमरबंद में खंजर उड़सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद सौ गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने उसका इस्तकबाल, एहतराम और प्यार से किया। उन दो लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। ज़कोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांट मुलाजमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़कोई को बड़े गौर से देखा। ज़कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहायश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कोई हरम से निकली तो नाजी की रहायश गाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिम चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़कोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो कोई इंसान हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़कोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार भी ज़कोई की रफ्तार से तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थी।
जुकोई उनमें रूपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रहायश गाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। जुकोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाई तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। उसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर जुकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जुकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। जुकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो जुकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। जुकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। इसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चकरा कर गिरा। जुकोई ने यह नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़कर पहुंचा। जुकोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीरे मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लादकर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीरे मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अयूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तबीब और जराह को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लेटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने नहीव आवाज में कहा। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, तुम्हें जख्मी किसने किया है जुकोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले जरूरी बातें सुन लो, जुकोई ने कहा। शुमाल मशरक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चूहे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो, तफसील उनके पास है। बोलते बोलते जुकोई को गशी आने लगी। दो तबीब आ गए। उन्होंने जुकोई का खून बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद उसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने अदरूश के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दो सवारों का आना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजूद देखकर उधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर हमलावर पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। उसने हमले की जगह बताई। उस वक्त उस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। जुकोई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। जुकोई ने सलाहुद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने उससे ज्यादा पूरा किया है, अली बिन सुफियान ने उसे कहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी न था
कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था। काश मैं मुसलमान होती, ज़कोई ने कहा। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया था। ज़कोई का सर एक तरफ ढला गया, आंखें आधी खुली रहीं और होंठ इस तरह जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। ज़कोई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, यह किसी भी मजहब की थी, इसे पूरे एहसास के साथ दफन करो। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है, ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा, वो एक उधेड़ उम्र की औरत की लाश थी। जाए वकुआ से 2 खंजर मिले थे। उस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम की लालच में ज़कोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही ज़कोई को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश गड़ा खोदकर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेकर जा रहे थे। ज़कोई कौन थी? वो मराकश की एक रकासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि इसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी की इंटेलिजेंस यानी जासूसी और सराग रसानी का सरबरा था और दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाहुद्दीन अयूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहां आकर मालूम हुआ कि सूडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। उसके अंदरूनी खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। उसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबाह के फिदाइयों की तरह मुखालिफिन को हसीन लड़कियों और हशीश से फांसता, अपना गिरविदा बनाता या मरवा देता। अली बिन सुफियान ने तलाशे बसियार के बाद किसी की वसातत से ज़कोई को मराकश से हासिल किया और खुद बुर्दा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथ बेच दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अयूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही उस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ राज की बातें करता रहा। उसने ज़कोई को जश्न की रात सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में भेज दिया और अपनी इस फतह पर बेहद मसरूर था कि सलाहुद्दीन अयूबी का उसने बुत तोड़ दिया है। अब वो उस लड़की के हाथों उसे शराब भी पिला सकेगा और फिर उसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर उसके फरिश्तों को भी मालूम ना हो सका कि ज़कोई सलाहुद्दीन अयूबी की ही जासूसा थी। वो उसे खेमे में रिपोर्टें देती रही और सलाहुद्दीन अयूबी से हिदायत लेती रही थी। उसके खेमे से निकलकर ज़कोई दूसरी तरफ चली गई थी, जहां उसे मुंह सर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने उसे कुछ और हिदायत दी थी। इसके बाद ज़कोई नाजी के घर से बाहर ना निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट ना दे सकी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहां से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम ना थी। ये ज़कोई की बदनसीबी थी कि हरम में उसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि उसने नाजी पर कब्जा कर लिया था। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़कोई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुंचाने तक जिंदा रही। इसके मरने के कुछ अरसे बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने उसके साथ तय किया था, सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बर्दा फरोश के भेस में ज़कोई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकश में ज़कोई के माजूर वालदेन को अदा कर दी।